करनाल के बसाड़ा टोल टैक्स पर धरने पर बैठे किसानों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। साथ ही सड़क पर ट्रैक्टर व अन्य वाहन खड़े कर दिए हैं। किसानों द्वारा एम्बुलेंस, बारात के वाहन और बीमार व्यक्तियों को निकाला जा रहा है। किसान धरना स्थल पर ही रागनियों व भजनों का आनंद ले रहे हैं, साथ ही लंगर सेवा भी जारी है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान अजय राणा व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती, संघर्ष जारी रहेगा। यहां हम आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में 12 से 3 बजे तक का चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। उसी के मद्देनजर करनाल में भी जाम का असर देखने को मिल रहा है। करनाल में 11 स्थानों पर किसानों द्वारा जाम किया जा रहा है। सड़कों पर वाहन खड़े कर सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों का विरोध किया जा रहा है। वहीं भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस जाम के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया जाए। कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान नहीं होनी चाहिए। देखने से लगता है कि करनाल व आसपास के विभिन्न 11 स्थानों पर जो जाम करने की बात किसानों द्वारा कही गई है, वह पूरी तरह से सफल हो रही है। ऐलान था क्षेत्र को 12 से 3 बजे चक्का जाम करना, जिससे गुंगी बैरी सरकार के कान में कुछ आवाज जा सके किसानों की। उसी के उपलक्ष्य में ये जाम है 12 से 3 बजे तक का। बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। अगर कोई एमरजेंसी है किसी को, जैसे एम्बुलेंस हो गया, आर्मी व्हीकल हो गया, या वैसे कोई एमरजेंसी वो नहीं जाने। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे? वो यही अपील करना चाहते भी अपना शांतिपूर्वक बैठे यहाँ 3 घंटे, और उसके बाद अपना आराम से धरने आ जाएंगे। वापस जाम खोल दिया जाएगा शाम के। क्या नाम है आपका? मैं चरणजीत सिंह, बरौंडा शहरी प्रधान भारतीय किसान यूनियन। क्या शांतिपूर्ण? हम तो सरकार तय ये प्रार्थना करते हैं, हमें चक्का जाम करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही ये जरूरत है। आप हमारी मांगों को पूरा करके हमें अपने घर वापसी भेजो ना। हमने क्यों सड़कों बैठा रखे 3 महीने यहाँ पर? मोदी जी से प्रार्थना है कि हमारी मांगों पर ध्यान दें। मैं जब तो कह रहे थे एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, बुलंदे क्यों नहीं बुलाओ? बुलाकर बातचीत करो, बातचीत से रास्ता निकलेगा। तो आज करनाल में कहाँ कहाँ जाना प्रधान? आज करनाल में 11 जगह जाम है। नगला चौक पर है जी, इंदिरी में 3 जगह है, एक निकदू में है, एक काछवा है, एक निस्संग है, असंध में 2 जगह है। बड़े है जी, शांतिपूर्ण तरीके से रहे, शांतिपूर्ण आज जोड़ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय राणा, जिला प्रधान किसान यूनियन। हम दिल्ली ही आ गए, वो फसल रेट ते मरे पड़े साम, और जो गोली लाश खड़े साम, और जो गोली लाश खड़े साम, और जो गोली लाश खड़े साम, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.